दोस्तों, सुंदर, घने और काले बाल तीन ऐसे शब्द हैं जो हर उम्र के लोगों की चाहत होती है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और इतना धूल मिट्टी, इतनी गर्मी, इतने केमिकल यूज एनवायरनमेंट में हो रहा है, इतने वातावरण में हो रहा है, हमारे समाज में हो रहा है कि सुंदर घने काले बालों की जो चाहत है ना, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। हम बहुत से मेडिसिन यूज़ करते हैं, बहुत ऑयल शैम्पू ट्राई करते हैं, उसके बावजूद ना तो हमारे बाल काले रह पाते हैं, ना हमारे बाल मजबूत रह पाते हैं। रिजल्ट ये होता है कि केमिकल के इफेक्ट से बाल पतले होकर गिरने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है और गंजापन आना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा टिप्स देने वाला हूँ, इस वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, ऐसा टिप्स देने वाला हूँ, महज एक स्टेप से आप अपने बालों को ना केवल खूबसूरत बना सकते हो बल्कि मजबूत, तो मजबूती के साथ साथ अपने बालों को परमानेंट काला रख सकते हो जिंदगी भर के लिए, ता उम्र के लिए। और जिन लोगों के बाल काले हैं वो भी ये नुस्खा आजमाएंगे तो उनके बाल भी काले होने शुरू हो जाएंगे। तो ये है मेरे पास कुछ पाउडर, ये पाउडर मैंने घर पे बनाया है, किसी भी मार्केट या शॉप पे नहीं मिलेगा, ये मेहंदी पाउडर नहीं है। आप देख सकते हो मेहंदी का कलर और इसके कलर में काफ़ी फर्क है। ये त्रिफला पाउडर भी नहीं है, कुछ लोग सोच रहे होंगे त्रिफला पाउडर है, ये क्या है, इसके अंदर क्या है। इसमें कम से कम 25 चीज़ें मैंने मिलाई हुई है। और एक प्रॉब्लम और आती है पेशेंट्स के साथ, ट्रांसप्लांट के बाद 4-5 साल बाद डेंसिटी उनके कम होनी शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे भी वो पूछते हैं कि हम बालों की डेंसिटी बरकरार रखने के लिए क्या यूज़ करें, क्या टिप्स आजमाएं। स्पेशली लोग चाहते हैं घरेलू कुछ नुस्खा हो, घरेलू कुछ टिप्स हो जिसके द्वारा बाल उनके परमानेंट मजबूत रहें, घने रहें। और ये मैंने बनाया है, अपने लिए बनाया था, पिछले 5 सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे ट्रांसप्लांट किए 5 साल हो गए, उसके बावजूद बालों की डेंसिटी कम नहीं हुई है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इसके बाद दोस्तों मेरे कहीं भी वाइट हेयर्स नहीं है। तो लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या आपने डाई, इतने काले हैं कि लोग मेरे से ये पूछते हैं कि आपने डाई क्यों है। कहीं से भी मैं डाई यूज़ नहीं करता, अभी जरूरत नहीं है, अभी मेरी एज 29 है और डाई की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा नुस्खा आजमाता हूँ घर पर। तो ये क्या है मैं बताऊँगा और कैसे यूज़ करने हैं वो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी जो इसकी चीज़ है वो है दही, ये है दही दोस्तों। तो ये दो चीज़ें हमारे पास है, इन दो चीज़ों से हम अपने बालों में करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं इनके बालों में। और कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, कितनी देर यूज़ करते हैं, ये आपको सब पता लग ही जाएगा। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको भी अगर ऐसा टिप्स चाहिए, ये फॉर्मूला चाहिए, तो मैं आपको लाइव वीडियो के साथ बताऊँगा कि कैसे कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्या डाला हुआ है मैंने, ये सब मैं कम्प्लीट बताऊँगा। लेकिन पहले हम यूज़ करने का तरीका देख लेते हैं दोस्तों कि ऐसे इसको यूज़ कैसे करना। ये मैंने 3 चम्मच लिए हुए हैं, मेरे बालों के हिसाब से 3 चम्मच इनफ है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, 3 चम्मच इनफ रहता है। और सबसे बड़ी बात, गर्मी आ गई है, गर्मियों में बहुत ठंडा रहता है ये, सर्दियों में मैं इसे कम यूज़ कर पाता हूँ क्योंकि इतनी ठंडक देता है दिमाग को, सर को, कि सर्दियों में बहुत सर्दी लगने लग जाती है। तो गर्मियों में मैं रेगुलरली हफ्ते में 1 या 2 बार इसे ज़रूर यूज़ करता हूँ। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बेनिफिट बता दूँ दोस्तों लगाने से पहले, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो हफ्ते में आपको 1 या 2 बार, अगर आप फीमेल हो तो 1 बार यूज़ कर लीजिए क्योंकि बाल लंबे होते हैं, अगर आप मेल हो तो 2 बार यूज़ कर लीजिए। इसे लगाने के बाद आपको सिर्फ क्या होगा दोस्तों, सिर्फ 15-20 मिनट का टाइम चाहिए और लगाने के 1 महीने बाद आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। फ़ायदा ये होगा कि आपके बाल लंबे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। ये तीन बातें जो मैंने बोली, लंबे, मजबूत, घने और मेन बात काले भी रहेंगे बाल। अगर आपके काले हैं तो काले रहेंगे और अगर आपके बाल काले हो रहे हैं तो वो आगे सॉरी अगर आपके बाल वाइट हो रहे हैं तो वो आगे काले होने से भी बचेंगे। इसके साथ साथ स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम डैंड्रफ को भी ख़त्म करे, ये जो फॉर्मूला है डैंड्रफ को भी जड़ से ख़त्म कर देगा। कहीं भी किसी भी बाज़ार में ये नहीं मिलने वाला क्योंकि मैंने खुद ने बनाया अपने हाथों से, आयुर्वेद ग्रंथों के निचोड़ से ये निकाल के बनाया हुआ है। और इसे लगाने पे ये बहुत सस्ता पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अगर आप इसे घर पे नहीं बना सकते, मेहनत लगती है थोड़ी, काफ़ी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको नहीं अवेलेबल होते, तो आप मेरे से ऑर्डर कर सकते हो, मंगवा सकते हो। उसके लिए आप अपने मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कमेंट में मुझे बता सकते हो, हम आपको कोरियर भी कर देंगे।
तो उसने ये लगाने के बेनिफिट, मेन बेनिफिट ये भी होगा कि आपको शैम्पू यूज़ करना नहीं पड़ेगा। तो आपको जो महंगे शैम्पू आते हैं, महंगा शैम्पू अगर आप एक बार ट्राई करते हो तो मान के चलो कि 10 से 15 रुपये का खर्चा एक बार में होता ही होता है फीमेल को, क्योंकि इतने महंगे शैम्पू आते हैं। एक बार का हम ट्राई मानते हैं इतना से शैम्पू वो 10-15 रुपये का पड़ता है, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली शैम्पू होते हैं वो 30-40 रुपये का एक यूजेस पड़ता है। ये आपको महज 2-3 रुपये का पड़ेगा, महज 2 या 3 रुपये का एक पड़ेगा। दूसरी बात जो है वो कंडीशनर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपके कंडीशनर का खर्चा बचेगा, आपका कोई सीरम वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ये लगाने के बाद। तो चलिए अब शुरू करते हैं कैसे लगाते हैं इसको। दोस्तों दही के साथ लगा सकते हैं मिला के, पानी के साथ मिला के लगा सकते हैं, या फिर नींबू के रस के साथ मिला के लगा सकते हैं। जिन जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली है वो नींबू के रस के साथ मिलाइए, जिन लोगों की स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है वो दही के साथ मिला के लगाइए, और नॉर्मली नॉर्मल स्किन है तो पानी के साथ मिला के लगाइए। मैं हमेशा दही के साथ मिला के लगाता हूँ क्योंकि दही भी एक नेचुरल कंडीशनर होता है दही, इसलिए दोनों की मजबूती मिलेगी आपको। तो मैं हमेशा दही के साथ मिला के लगाता हूँ, सर्दियों में आप पानी के साथ लगा सकते हो। तो हम इसमें मिलाएंगे महज 2 चम्मच दही, 1 चम्मच मिला दिया है और 1 चम्मच और, ये 2 चम्मच दही मैंने मिला दिया है। इसको जेंटली मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है दोस्तों, इसमें कहीं गांठें वगैरह ना रही हो, ये बात स्पेशल ध्यान करनी है आपने। ये पाउडर बहुत ही सुपर फाइन पाउडर है, एब्जॉर्ब बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। सुपर फाइन पाउडर और दही के साथ मिलाने से क्या होगा, जो इसकी एब्जॉर्ब की पावर है, एब्जॉर्ब होने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से गाढ़ा पेस्ट बन गया, इसमें थोड़ा सा दही हम और मिला लेते हैं। ये दही और मिला लिया है, इसकी जो खुशबू है ना बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार खुशबू है। आने वाले टाइम में मैं बताऊंगा बालों को नेचुरल कलर कैसे करें दोस्तों। नेचुरल कलर हम ब्लैक भी कर सकते हैं, और आप सैलून में जाके जो आजकल क्रेज है रेड का ब्राउन का, वो क्रेज नेचुरल इंग्रेडिएंट से हमारे घर में सामान होते हैं उनको यूज करके आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ऐसे मैं फार्मूलाज टिप्स इस वीडियोज़ में हमारे चैनल में देता रहता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट की कंप्लीट नॉलेज है, स्किन की कंप्लीट नॉलेज है, कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट जो खूबसूरत बनाने के काम आता है वो ट्रीटमेंट अगर आप चाहते हो, कोई भी टिप्स चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे पूछ सकते हो। और हमने काफ़ी सारी वीडियोज़ डाली हुई है, लगभग 100 के नियर अबाउट लगभग 92 वीडियो है दोस्तों, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। हो सकता है वो इनमें से एक आधी वीडियो आपके काम की हो। और हेयर ट्रांसप्लांट की तो हमने लगभग 50 से ज़्यादा वीडियोस डाल दी है। तो ये और कुछ लोग हमारे रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सोखल हॉस्पिटल के हमें रिजल्ट दिखाइए, तो मैंने उनकी भी ख्वाहिश पूरी कर दी है। सोखल हॉस्पिटल का कंप्लीट एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हो। उसमें हमारे कंप्लीट रिजल्ट्स, हमारे अवार्ड, हमारे पेशेंट्स की कंप्लीट हिस्ट्री उसमें डाली हुई है। मतलब कंप्लीट हिस्ट्री तो मैं नहीं डाल सकता क्योंकि 2000 से ज़्यादा पेशेंट्स हमने कर दिए हैं, उसमें लगभग 30-40 पेशेंट्स के रिजल्ट्स हमने दिखाए हुए हैं। तो ये दोस्तों तैयार हो गया है गाढ़ा पेस्ट, इसको लगाने अपने बालों में। तो इसको सबसे बढ़िया तरीका है अपने हाथों से ऐसे करके बालों, कोशिश करनी है स्कैल्प में लगाने की, कुछ इस तरह से आपने लगाना है। बालों को नेचुरल मॉइस्चराइजर तो मिलेगा ही, और सबसे बड़ी गर्मियों में अगर आपको गर्मी लगती है ना तो ये लगाने के बाद आपको गर्मी नहीं लगेगी, इतना मेरा श्योर है, एश्योरिटी है। पूरे स्कैल्प में आप लगाइएगा क्योंकि, और ये इतना बारीक फाइन पाउडर है, इतना फाइन पाउडर है, दही के साथ मिल के इसके जो रस है ना, इसका जो रस निकलेगा ना इस पाउडर का, वो आपकी स्किन की बालों की जड़ों में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बालों तक पहुँच जाएगा। बालों को न्यूट्रिशन दो तरह से चाहिए होता है दोस्तों, एक बाहरी न्यूट्रिशन, एक आंतरिक न्यूट्रिशन। आंतरिक न्यूट्रिशन जो है ना, हम जो भी खाते हैं वो हमारे ब्लड में मिल जाता है और ब्लड से बालों की जड़ों में पहुंच जाता है, वो अंदर से न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन बाहरी रूप से, क्योंकि बाल बाहरी रूप से ज़्यादा डैमेज होते हैं, बाहर इतने केमिकल यूज़ होते हैं, इतना डस्ट है, इतना धूप है, इतनी गर्मी है, तो बाहर से काफ़ी सारे डैमेज होते हैं। बाहर से न्यूट्रिशन हम ज़्यादा दे नहीं पाते, शैम्पू में भी इतने न्यूट्रिशन नहीं होते, ऑयल में भी इतना आजकल वो ट्रस्ट वाली बात नहीं रही है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इससे इतना ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने वाला है ना आपकी
बालों को कि आपके बाल सदा के लिए मजबूत, काले, घने, जैसे आप चाहते हो वैसे हो जाएंगे। तो चलिए, हमने इसको लेप को लगा लिया है, अब हम 15 मिनट तक इसे रखेंगे, 15 मिनट धोएंगे, इसको वॉश करेंगे 15 मिनट के बाद, और मैं आपसे मिलता हूँ 15 मिनट के बाद। गाइस, 20 मिनट के बाद मैंने अपने सिर को वॉश कर लिया है, धो लिया है अच्छी तरह से, और आप देख सकते हो बालों में कितनी शाइनिंग है दोस्तों, कितना ब्लैकनेस है। ये जो काले हैं बाल नेचुरल हैं, इसे कोई डाई नहीं है, मेरे नेचुरल काले ही हैं, और राज है वही लेप का जो मैं लगाता हूँ बालों में। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, शाइनिंग देखिए, नहाने के जस्ट बाद मैंने बाल को सिर्फ कॉम्ब किया है, बालों को ड्राई किया है, इसके बाद ना तो मैंने ऑयल यूज़ किया है, ना ही कोई कंडीशनर यूज़ किया है, ना ही कोई सीरम यूज़ किया है, तो उसके बावजूद देखिए दोस्तों, उसके बावजूद मेरे बाल कितने कितने शाइनिंग हैं, कितने सिल्की हैं, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कितने ब्लैक और कितने घने दिख रहे हैं। तो ये जो है ना, तो मेरे बालों का राज है ये पाउडर, ये मैंने खुद बनाया है। तो आप भी इस तरह का पाउडर चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप इसे घर पे बना सकते हो। घर पे बनाना थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, और इसके लिए क्या करना होगा मैं आपको लाइव वीडियो बताऊँगा। लाइव वीडियो में बताऊँगा कौन कौन से सामान, कौन कौन से ड्रग्स, कौन कौन से आयुर्वेदिक औषधियाँ इसके लिए चाहिए। कम से कम 25 औषधियाँ हमने इसमें इन्वॉल्व की है, थोड़ा सा छोटा फाइन पाउडर बनाया हुआ है बहुत, और बहुत मेहनत करके। तो ये फाइन पाउडर आप अपने घर पे बना सकते हो, आपके बाल जो हैं खूबसूरत हो जाएंगे, शाइनिंग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, और ज़िंदगी भर काले पड़े रहेंगे दोस्तों, ये मेरा दावा है। डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको शैम्पू यूज़ नहीं करने पड़ेगा, और ये खर्चा एक बार वॉशिंग का महज 2 रुपये आने वाला है, 2 या 3 रुपये आने वाला है, बहुत सस्ता है दोस्तों, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ने वाला। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना, और अपने दोस्तों में सभी में फैला दीजिए, सभी में ये रिश्तेदारों में फैला दीजिए, ताकि इस कॉन्टेक्ट के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में सबको पता लग सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हमारे चैनल में आती रहती है, हम इस तरह के टिप्स देते रहते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।